जी, पहले तो हमारा अप्रैल 1 तारीख को RCH का धरना दिया था हमने, और वो इसलिए दिया था अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए, और तनख्वाह नहीं मिल रही थी इसलिए दिया था। तो DC साहब ने हस्ताक्षेप करके कि भाई पोलियो कर लो, और हमारे CMO DIO साहब ने हस्ताक्षेप करके वो धरना बंद कराया था कि भाई कोई बात नहीं, हम आगे बात होगी हमारी तो हम कर लेंगे। उसके बाद में उनकी 6 दिन की तनख्वाह काट दी गई। लगातार अप्रैल से आज तक कहते आ रहे हैं कोई तनख्वाह नहीं बना रहा, और आज 4 महीने से 1/6 से ये कर्मचारी लगे हैं, और ठेके में जो दिया था ठेका उसमें शर्त है, हमारे पास उसका लेटर है, उसमें ये लिखा कि 1 महीने की तो अपनी तरफ से अपनी जेब से ठेकेदार देगा, उसके बाद ठेकेदार के बजट में ये डालेंगे खाते में बजट। अब चंडीगढ़ से पहले बजट नहीं आया था, 2 महीने हो गए चंडीगढ़ से बजट आए हुए, अभी इन अधिकारियों में खींचातानी चल रही है कि तू बांटेगा या तू बांटेगा, अभी तक वो फैसला नहीं हो पाया। कभी कहते हैं डॉक्टर शर्मा चंडीगढ़ चला गया, कभी कहते हैं CMO चंडीगढ़ चला गया, कभी कहते हैं डॉक्टर अनूप जिसको इंचार्ज बना रखा वो चंडीगढ़ चला गया। अब इसमें कर्मचारियों का क्या कसूर है? 2 महीने बजट आए हुए हो गए और इन्हें लगे हुए 4 महीने हो गए, अभी तक इनकी तनख्वाह पूरी 1 महीने की भी नहीं बांटी। कितने कर्मचारी कितने महीने से तनख्वाह? ये 58 कर्मचारियां 4 महीने हो गए इनके लगातार, 4 महीने से जो तनख्वाह बांटी है वो भी थोड़ी बहुत बांटी थी इन्होंने, वही वो हमारे कहने से। अब इनके जो बच्चे हैं उनके स्कूलों से नाम कट रहे, 4,000 कटकटा के मिल रहा, 5,213 रुपए कुल इनको मिल रहे हैं, जबकि DC रेट है 6,100 रुपए, और 5,213 इनको दे रहे हैं, और काट के 4,000 इनको पकड़ाए हैं। 4,000 में ये बताओ आज के जमाने में क्या होता है? इनके बच्चों की फीस नहीं दी जा रही, स्कूलों से नाम कट के, जो राशन जहाँ से लाते थे दुकानों से उन दुकानों ने राशन देना बंद कर दिया, मतलब ये हालात खड़े हो गए। अभी बारिश आई थी, कईयों के घर पूरी तरह टपक रहे, बेचारे बाहर बैठे, हमें बुला के ले गए, हमने जाके देखा उनके घर के हालात बहुत खराब थे, पानी टपक रहा उनकी झुग्गियों में, सारा सामान बर्बाद हो गया, लेकिन अधिकारी टस से मस नहीं हो रहे अभी।